रतलाम जिले की सभी तहसील रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, बाजनाम, रावटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट व ताल में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। मध्य प्रदेश के रतलाम में पीएनटी कॉलोनी में पड़ोसियों के आपसी विवाद में चले लात, घूंसे और डंडे। पुलिस ने किया मारपीट की धारा में मामला दर्ज। घटना का लाइव सीसीटीवी वीडियो आया सामने। सीसीटीवी वीडियो में पड़ोसी एक दूसरे को मारते हुए दिख रहे हैं, जिसमें जमकर मारपीट की जा रही है। डंडे से मारा जा रहा है, एक दूसरे को लात घूंसे मारे जा रहे हैं। वहीं महिला के साथ भी मारपीट करता दिखाई दे रही है। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट ठाकुर समाज करणी सेना आज एसपी कार्यालय पहुंची, जहां पर महिला के साथ मारपीट के मामले में एसपी अभिषेक तिवारी को शिकायत की गई और मारपीट करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। महिला का कहना है कि रविंद्र शुक्ला के परिवार के लोगों ने मारपीट की है और आए दिन छेड़छाड़ करते हैं। हमने सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसपी साहब ने 3 दिन में निष्पक्ष जाँच कर कार्रवाई का भरोसा दिलवाया है। अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे आंदोलन करेंगे। रविंद्र शुक्ला पुलिस विभाग में हेड थे और अभी वर्तमान में वह रिटायर हो चुके हैं। उनके परिवार के लोग आए दिन झगड़ा करते हैं और मारपीट करते हैं। वहीं मामले में करनी सेना के पदाधिकारियों का भी कहना है कि महिला के साथ जो मारपीट की गई है और छेड़छाड़ करते हैं वह निंदनीय है, इसका ठाकुर समाज विरोध करता है। साथ ही हमने एसपी साहब को शिकायत की है और सख्त कार्रवाई के लिए मांग की है। अगर 3 दिन में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। टीम भारती न्यूज। जी बताए, आप यहाँ पर आए हैं, एसपी को आप मुलाकात करिए, क्या कारण है? जी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, इसलिए मैं ये कर रही हूँ कि बोले वो हमारे सामने पड़ोसी है, वो असली हरकतें करते सर हमारे साथ, मतलब गंदे गंदे इशारे करना, रोड पे अपने आने जाने में रोकना, हमारे घर में छोटी छोटी लड़कियों को इशारे करना, मतलब ऐसे काम कर रहे हैं, तो हम परेशान हो गए सर। यहाँ आए, आप ज्ञापन दिया है, क्या मांग करी आपने? हमने मांग करी हमारे न्याय दिलाए हमको, 3 दिन के अंदर अंदर शख्स ये बनाए, अगर 3 दिन के अंदर अंदर नहीं बनाए सजा नहीं मिलेगी, फिर आंदोलन को आगे आंदोलन करेंगे। हमारे करनी सेना भाई हमारे साथ है, उन्होंने हमारा साथ दिया, पुलिस ने हमारे कोई ये नहीं करा, हमने सब दूर विज्ञापन सब कुछ जो जो था सब दे दिया, हमने हमने सारे आवेदन दे दिया, हमारा सुनवाई नहीं हुई और हमारे साथ आगे बढ़ते ही नहीं। अगर वो कार्रवाई पहले ही होती थी तो इतना आगे कदम नहीं उठा सकते थे वो लोग, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे साथ धोखा हो गया, हमारा सुना ही नहीं, पुलिस वाले ने वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, अगर प्रशासन सुन लेता तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो हमारे जाते ऊपर वो भी नहीं कर सकते, और हमारे कास्ट में ऐसा नहीं है सर, हमको बाहर निकलने की वो नहीं है सर, ये सामने ही घर है उनके और मेरा, ये मेरी गुड़िया ही परेशान हो गए सर, बिल्कुल एकदम ठीक है। बताए, ज्ञापन देने आए थे एसपी को, क्या मांगे आपकी? देखिए, हमारा एक राजपूत परिवार है जो कि पीएनटी कॉलोनी में निवासरत है, बलवंत सिंह जी वाघेला नाम है उनका, और उन्हीं के सामने कोई सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जो है वहाँ निवास करते हैं, उनके द्वारा आए दिन अभद्र व्यवहार राजपूत परिवार के साथ किया जाता है। राजपूत परिवार के साथ नहीं, जितने और परिवार भी उस पीएनटी कॉलोनी गली नंबर 3 में निवासरत है उनके साथ भी निरंतर उनका यही व्यवहार देखा गया है, और उनके द्वारा जो कि पीड़ित परिवार को कुछ ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, पीड़ित परिवार ने जब पुलिस में शिकायत की तो उसके लिए भी उन्होंने दबाव बनाकर अपने मन मुताबिक रिपोर्ट उस तरीके से लिखाई गई जिसका कोई प्रभाव उन पर ज़्यादा ना पड़ पाए, उसी के विरोध में आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने श्रीमान माननीय एसपी साहब को अवगत कराया है और ज्ञापन प्रेषित किया है। अब देखते हैं, 3 दिन का हमने समय प्रशासन को दिया है सब, अब अगले 3 दिन में सब प्रशासन क्या करता है, क्या कार्रवाई करता है, बस प्रशासन से आशा है कि वो मतलब निस्वार्थ भाव से कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। अगर यहाँ पर आपने ज्ञापन दिया, मांग पूरी नहीं, तो आप क्या करेंगे आगे? देखिए, एक सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, हम पूरी ग्रामीण टीम, पूरी शहर की टीम मिलकर के एक विशाल आंदोलन करेंगे अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो। 3 दिन का समय हमें श्रीमान एसपी साहब ने दिया है और मैं आश्वस्त किया है कि वह इस मामले में सही कदम उठाएंगे और निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष जाँच करवाएंगे। ठीक, करनी सेवा द्वारा किस तरह से उसको शिकायत मिली है और संज्ञान में लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है? औद्योगिक थाना अंतर्गत रतलाम में एक लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें एक पक्ष ने वीडियो भी उपलब्ध कराया था, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसमें देखने पर दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, और इसमें देखने पर जो समझ में आया है कि जिन लोगों ने इसमें डंडे का उपयोग किया है उन
ऊपर एफआईआर के लिए भी निर्देशित किया गया था। इनफैक्ट उस दिन दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कराई गई। आज एक ज्ञापन भी इस संबंध में क्षेत्रीय निवासियों ने और कुछ सामाजिक संगठनों ने दिया है, उसमें उठाए हुए बिंदुओं पर भी हम लोग पूरी संजीदगी से जाँच करा कर आगे कर रहे हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.